मैं डेली बेस पे स्कूल नहीं जाता था, महीने में 15 दिन में एक बार दो बार ऐसे चला जाता था। चूँकि मैं अपनी दुकान खोल रखा था तो उसमें टाइम चला जाता कि मैं जो पढ़ता था कोचिंग में उसको आके अपने पार्टनर को जो बगल वाले रहते थे तैयारी करते थे उनको सबको पढ़ाता था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन आपके पार्टनर से या किसी भी एस्पिरेंट से नहीं है। अगर आपका कंपटीशन है तो मॉक टेस्ट से कंपटीशन। मैथ वैसे आ रही है, रीजनिंग भी वैसे आ रही है, जीएस भी वैसे आ रही है, तो हमको जो पहले मेंस के लिए अलग से मैथ और इंग्लिश से फोकस करते थे, प्रीलिम्स के लिए अलग से चारों सब्जेक्ट फोकस, अभी हमको चारों सब्जेक्ट इक्वल लेके चलना पड़ेगा। ये इसी बुक पे अगर आप टिके रहे, बार बार रिवीजन करते रहे, बार बार प्रैक्टिस करें तो हो जाता है दो बुक से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी नहीं हुई और एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं, एमई में जाने का सपना देखते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मुखर्जी नगर में रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई के बारे में बताएं तो 2019 से सीजीएल सिलेक्टेड हैं और बिना किसी कोचिंग के उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है और ये उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जैसे बात करें एयरफोर्स का, नेवी का और एसएससी एमटीएस, ये सारे एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं। तो आज इनकी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके की इनकी जर्नी रही और आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटजी की आप बात करते हो, इंग्लिश में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, मैथ में प्रॉब्लम होती है और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल ने अपना पैटर्न भी चेंज किया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए, आगे आपको कैसे तैयारी करनी है। आपका दिसंबर में आई थिंक एग्जाम भी आने वाला है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई आपके मैसेज होते हैं, कुछ आप बताना चाहते हो, हमारी कमियां हैं या फिर हम क्या सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, वो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो अभिषेक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर एंड थैंक यू सो मच, आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। तो हमारी ऑडियंस को प्लीज़ आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो अंकित भाई आपका धन्यवाद, आपने हमको अपने प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट किया है। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है और अभी मैंने इंडियन एयरफोर्स दो बार इंडियन नेवी और सीजीएल 2019 क्लियर किया है, सीजीएल 2020 भी क्लियर किया जिसमें डीवी स्किप किया है। इसके अलावा सीएचएसएल एमटीएस 18-19 भी क्लियर किया, एसबीआई पीओ का प्री प्लस मेंस मैंने क्लियर किया है। जी सर। तो आपके शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे रही है, एग्जाम के बारे में भी अब बात करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे रही आपकी? शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरी ठीक रही है, जैसे LKG नर्सरी वगैरह ये सब गांव से हुआ है, बाकी सेकेंड से लेकर फिफ्थ तक मैं यहाँ डेली में पढ़ा हुआ हूँ, फिर सिक्स्थ से मैं गाँव में गया हूँ, सिक्स्थ गाँव में पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद सेवन्थ नहीं किया हूँ क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं डेली बेस पे स्कूल नहीं जाता था, महीने में 15 दिन में एक बार दो बार ऐसे चला जाता था। चूँकि मैं अपनी दुकान खोल रखा था तो उसमें टाइम चला जाता था, तो स्कूल रेगुलर बेस पे नहीं जाता था। ऐसे मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक किया, सेकेंड ईयर से मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की चूँकि मुझे भी नौकरी चाहिए थी। और गांव में ये पता चला कि आप एयरफोर्स नेवी 6-6 महीने में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दो तुरंत उसमें नौकरी मिल जाती है, तो फिर मेरा झुकाव एयरफोर्स और नेवी की तरफ हुआ था। आपने जैसा कि बताया आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं हुई और जैसा नॉर्मली हमारे गाँव में होता है, स्कूल इतने अच्छे नहीं होते और घर वालों का भी इतना वो रुझान नहीं रहता है क्योंकि गाँव है, वहाँ पे गाँव सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बड़े स्कूल वहाँ पे हैं, तो ठीक है। तो उसके बाद आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रुचि कब आपकी जगी, आपको कब पता चला कि एसएससी सीजीएल भी होता है और एयरफोर्स नेवी जैसा कि आपने बताया, कब आपके मन में आया और कब तैयारी स्टार्ट करी आपने? तो ये ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था मैं, तो एक भैया आए थे, वो उनका सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी, गाँव के ही थे, इंडियन एयरफोर्स में हुआ था, तो हमको बताया कि आप एक बार प्रयास करिए, अगर हो जाता है तो बेहतर है, ये हर 6-6 महीने पर वैकेंसीज की आती है। तो मैं उनसे सुना तो मैं गया फिर तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आया, तो इलाहाबाद तैयारी करने के लिए आया, मैं एयरफोर्स के बैच में एडमिशन लिया, तो बैच तो चला, वो हमको पता भी नहीं था एक्स ग्रुप क्या होता है, वाई ग्रुप क्या होता है, तो वहाँ एयरफोर्स का बैच बना था, फिर उसमें बच्चे कम थे तो उसको इंक्लूड कर दिया गया था एसएससी के बैच में,
और मैं बाद में पता चला कि इसमें 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है, इंग्लिश आती है, तो फिर मैं वहीं से डिसकंटिन्यू किया और घर आ गया। चूँकि घर वालों से पैसा ले लिया था तुरंत, फिर से पैसा मांगू एडमिशन के लिए तो उचित नहीं था। फिर कुछ दिन रुक के फिर से गया तो फिर से एडमिशन लिया, फिर मैं पढ़ा। हाँ ये था कि मैं जो पढ़ता था कोचिंग में उसको आके अपने पार्टनर को जो बगल वाले रहते थे तैयारी करते थे उनको सबको पढ़ाता था, तो चीज़ें मेरी ना तुरंत के तुरंत कंप्लीट हो जाती थी। ऐसे करके मैं इंडियन एयरफोर्स दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रीलिम्स हुआ, उसमें प्री होने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, तो जीडी में मैं आउट हो गया चूँकि इंग्लिश भी उतनी सही नहीं थी और कुछ तरीका भी नहीं पता था। फिर नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स दोनों क्लियर किया है मैंने। ओके, तो कह सकते हैं कि आप सीजीएल का कोई मकसद लेकर नहीं आए थे, किस्मत आपको सीजीएल में ले आई और आज आप इंस्पेक्टर बने हो सीबीएन में। तो सीजीएल की किस तरीके से आपने तैयारी करी, जैसा कि आपने बताया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 में और उसकी खास आपने कोई कोचिंग भी नहीं ले रखी सीजीएल के लिए, तो उसके बारे में बताइए कब आपने तैयारी स्टार्ट करी और कैसे आपकी सीजीएल की जर्नी शुरू हुई। देखिए जब सिलेक्शन हो गया था, सिलेक्शन हुआ मेरा एयरफोर्स और नेवी में, तो जिस कोचिंग में पढ़ता था तो टीचर वहाँ के बोले कि आके आप देख लो इधर टीचिंग में, शायद अगर अपना करियर बना पाओ तो। तो मैं बस वैसे ट्राई करने के लिए कोचिंग पढ़ाने चला गया, तो जब मैं कोचिंग पढ़ाने लगा तो थोड़ी थोड़ी रुचि उसमें आने लगी। क्योंकि मैं जो पढ़ता था वह घर पे भी रूम पे आके पढ़ाता था पार्टनर्स को, तो वहाँ से तरीका एक डेवलप हो गया था धीरे धीरे। 6 महीने की कोचिंग किया था तो तरीका वहाँ से डेवलप हो गया था टीचिंग का। तो मैं जब कोचिंग पढ़ाने लगा तो मैं देखा तो ये क्या हुआ, पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा जो है रुझान टीचिंग की तरफ हो गया। तो ये तो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और बच्चे उसी से पढ़ना चाहते हैं जिसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो, वो कुछ किया हो, तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद तो मैं टीचिंग की तरफ रुझान हुआ तो मैं इसको स्किप कर दिया, मैं ज्वाइनिंग पे नहीं गया था। उसके बाद वहाँ से पता चला कि सीजीएल जगह सभी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी, तो वहाँ से टीचर से पता चला कि ऐसा होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था MTS का, तो उसमें मेरिट आउट हो गया था, मेरिट उस पर ज़्यादा गई थी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर ये इधर से डिफेंस SSC का सिलेबस चेंज हुआ रहता है, चूँकि ये टेक्निकल में आ जाता है वो नॉन टेक्निकल में आ जाता है, तो फिर उसकी मैंने प्रिपरेशन स्वतः तैयार किया, बुक्स वगैरह लेके आई, धीरे धीरे खुद से तैयार किया। जो पार्टनर मेरे थे वो SSC की तैयारी करते थे, SSC स्टेट PCS वगैरह के, फिर उनसे जानकारी हुई, कुछ उनका सहायता मिला, फिर धीरे धीरे करके मैं सीजीएल की तरफ मुड़ा। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर तैयारी से कंटिन्यू हुई। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया और अभी आप इंस्पेक्टर हो CBN में, तो आपकी स्ट्रेटजी पर आने से पहले थोड़ा इस पोस्ट के बारे में बताइए कि इंस्पेक्टर CBN में किस तरीके से होता है और इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सोशल मीडिया से तो उतना अपडेट नहीं था, मैं जब मेरा पोस्ट प्रेफरेंस भरा जा रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये CBN क्या होता है, CBI क्या होता है, MEA क्या होता है, जानकारी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज करता था मैं। सिलेक्शन के बाद से मैं सोशल मीडिया यूज करना चालू किया, चूँकि दूसरे ऐसे फेसबुक वगैरह होता है ना, तो दूसरे के मोबाइल में अकाउंट मेरा बना था, बस वैसे ही था। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरा था फिर मुझे जानकारी नहीं थी, फिर इधर मेरा सिलेक्शन हुआ, सेल्फ स्टडी ही थी तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये तो अब सारी चीज़ें पता चली कि इतने इतने सीजीएल में पोस्ट होते हैं, तो वो नंबर ठीक ठाक था तो ये रैंक मिल, वो ये पोस्ट मिल गई थी मुझे इंस्पेक्टर की, ये हुआ था। क्योंकि विशेष जानकारी नहीं थी उस टाइम पे मुझे। सही बात है। तो चलिए आपकी स्ट्रेटजी की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, और आपने सेल्फ स्टडी से सीजीएल क्रैक किया है, तो स्ट्रेटजी को थोड़ा बताइए किस तरीके से आपकी पढ़ाई किस तरीके से रही। अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें, जैसे इंग्लिश की हम बात करें, आप गाँव से बिलोंग करते हो, गाँव से आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई रही, तो इंग्लिश में जाहिर सी बात है आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ा होगा। जैसे कि हमारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो भी हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, लगातार कमेंट करते हैं कि भैया हमें CGL में इंग्लिश मैथ और GS इनमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, किस तरीके से हम तैयारी करें। और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग भी वो नहीं ले सकते, इतने असक्षम नहीं है। तो आप थोड़ा अपने स्ट्रेटजी पर थोड़ा फोकस करिए कि किस तरीके से इंग्लिश की आपने तैयारी करी। तो जैसे मैं कोचिंग करता था एयरफोर्स की, इंग्लिश तो लगभग सेम ही रहती है, चूँकि ये लैंग्वेज है, रूल्स वगैरह जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम ही रहता है ग्रामर का। तो वहाँ से मैं कुछ ग्रामर पढ़ा था, तो पूरी बैच कंप्लीट नहीं हुई थी। एयरफोर्स के अलग से लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की अरिहंत के एयरफोर्स के नाम से मोटी इंग्लिश की बुक आती है ग्रामर की, सबसे पहले मैं उसको क्लियर किया। उसके बाद फिर ये हुआ जब मैं पढ़ाते पढ़ाते SSC की तरफ रुझान हुआ मेरा, तो नीतू मैम की आती है Volume 1, मैंने उसको पढ़ा। फिर
वॉल्यूम 1 क्लियर किया था, मुझे ये नहीं पता था प्रैक्टिस के लिए एमबी बुक आता है, तो मुझे पता ही नहीं था, बाद में पता है। तब मुझे ये पता था कि एमबी बुक जो है ये एमएससी या पीएचडी वाले छात्र सॉल्व करते होंगे, बाद में पता चला कि एसएससी का प्रीवियस ईयर है, फिर मैं उसको लेके आया, फिर प्रीवियस ईयर लगाया एमबी बुक से। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं लूसेंट की इंग्लिश किया था और नीतू मैम की इंग्लिश किया था उस टाइम पे, और प्रैक्टिस के लिए एमबी बुक सॉल्व किया था मैं। हाँ ओके ये आप मैथ और जी के जीएस पर भी थोड़ा नज़र डालिए, उसकी तैयारी आपकी कैसे रही? मैथ के लिए तो नॉन टेक्निकल मैं 12th तक पढ़ा था, फिर नॉन टेक्निकल मैं जो मेरे साथ रहता था ना लड़का मेरा पार्टनर, मैं उससे थोड़ा पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं लेके आया था राकेश यादव सर की क्लास नोट्स, उसको कंप्लीट किया। अभी तो उसका यूट्यूब पे बकायदे के क्वेश्चन का लेक्चर पड़ा हुआ है यार, क्लास नोट्स किया था। उसके बाद मैं राकेश यादव सर की 73 से प्रीवियस ईयर आती है उसको सॉल्व किया था, एक दो बुक और लिया था, लेकिन ये सफिशेंट है, हो जाता है। हाँ लेकिन ये इसी बुक पे अगर आप टिके रहे, बार बार रिवीजन करते रहे, बार बार प्रैक्टिस करें, तो हो जाता है दो बुक से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुखर्जी नगर में हम लगातार देखते हैं या फिर कहीं और भी जहाँ पे कोचिंग हब खुले हुए हैं, एसएससी सीजीएल का इतना कंपटीशन है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उसमें स्ट्रगल भी बहुत सारे कर रहे हैं। जैसे कि आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, बहुत सारे दो तीन अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या खास बात आपके इसमें जर्नी में रही कि उसकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं क्या वो मिस कर रहे हैं अपनी तैयारी में? देखिए सिलेक्शन के लिए ना सबसे बड़ी बातें होती है, जैसे पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है, पढ़ना भरना है लिखना छलकना है, जब तक आप छलक नहीं सकते तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर हम एक ही चीज़ को 4 किताब से पढ़ रहे हैं उससे बेहतर होगा एक ही किताब को 4 बार पढ़ा जाए। तो मैं बार बार दूसरे दूसरे बुक पे, हम लोग गलती क्या करते हैं, आज मैं ये बुक लेके आया हूँ, कल पार्टनर को देखा वो लेके, कल दूसरे के रूम में गया फ्रेंड के रूम पे वो दूसरी बुक लेके आया है, तो मैं तीनों बुक लेके चला आया। अब कॉन्सेप्ट मेरा वही है, तीनों बुक में एक्सप्लेन वही किया गया है, उसमें एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक ही है। तो दो तीन बुक 4 बुक पे ना भागते हुए एक बुक को रखो अपने पास, सोर्स लिमिटेड रखो, बार बार प्रैक्टिस करो, मैं यही किया हूँ। और मैं पढ़ाता हूँ, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ 12th तक मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाया था दिल्ली में, और मैं तैयारी भी करवाता था। अभी तक मैं 46 या 47+ सिलेक्शन करवा चुका हूँ, जैसे MTS हो गया, CHSL हो गया, IBPS क्लर्क हो गया। तो मैं चीज़ों को पढ़ता था, उसी को पढ़ाता था, क्योंकि चीज़ें SSC की लगभग लगभग सेम ही होती हैं, बैंक में थोड़ा होता है एडवांस मैथ नहीं आती है। तो मैं पढ़ता था और पढ़ाता था, मैं इस चीज़ें फोकस करता था कि सोर्स कम लिया जाए, लिमिटेड रखा जाए, उसको प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस किया जाए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज़ होता है। आप जैसा कि आपने कहा आप पढ़ाते भी, आप टीचर भी हैं, तो ये सही बात है कि जो नए एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं, अभी दिसंबर में उनका सीजीएल होने वाला है और अभी सीजीएल ने पैटर्न भी अपना चेंज कर दिया है, तो आप एक टीचर हैं तो आप अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं, थोड़ा तो पैटर्न के बारे में आप बताइए। आपने देख सुनाई होगा, पढ़ाई होगा कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, क्या क्या उसमें चेंजेस करे गए हैं, और उसकी अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा जाहिर सी बात है कि जो पहले की स्ट्रेटजी है, बुक लिस्ट है, उसको तो अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर भी ऐड कर दिया है इसमें, और किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए इसमें मैक्सिमम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर दिया गया है, मैक्सिमम वेटेज इसमें इंग्लिश का है, 45 क्वेश्चन है इंग्लिश के लिए। अगर पहले हम इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश के लिए जो बेसिक पढ़ रहे थे वो पढ़े हैं मेरे हिसाब से, एक नीतू मैम की क्लास नोट्स आती है वो कर लीजिए, उसमें सफिशेंट चीज़ें हैं ग्रामर बेस पे। इसके बाद एक टेस्ट बुक की आती है 4000+ बैंक के लिए, तो वो बुक जो है लैंग्वेज बेस्ड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम किए गए हैं और नंबर ऑफ़ मार्क्स बढ़ा दिया गया है, तो हो सकता है SSC इस बार लैंग्वेज पे शिफ्ट कर जाए, क्योंकि कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज डाल दिया गया है उसमें, तो लगभग लगभग बैंक का पैटर्न अपना सकती है। इसलिए हमको दोनों पे, ग्रामर पे तो फोकस करना ही, ग्रामर वो कैप पे प्लस कंप्रीहेंशन भी। तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक की एक 4000+ बुक आती है क्वेश्चंस की, उसको ले लेनी चाहिए, और ग्रामर वगैरह के लिए मैं नीतू मैम की क्लास नोट्स सफिशेंट है। और मैथ के लिए बात किया जाए, देखिए प्रीलिम्स और मेंस लगभग लगभग अब इक्वल हो गया, उसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया और नंबर ऑफ़ मार्क्स बढ़ा दिया गया है। तो हम पहले क्या करते थे, प्रीलिम्स अलग करते थे, मेंस के लिए इंग्लिश और मैथ की तैयारी ज़्यादा करते थे, लेकिन हमको अब इक्वल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश भी वैसे, सॉरी मैथ वैसे आ रही है, रीजनिंग भी वैसे आ रही है, जीएस भी वैसे आ रही है,
तो हमको जो पहले मेंस के लिए अलग से मैथ और इंग्लिश से फोकस करते थे, प्रीलिम्स के लिए अलग से चारों सब्जेक्ट फोकस, अभी हमको चारों सब्जेक्ट इक्वल लेके चलना पड़ेगा। इक्वल लेके चलेंगे तो मेंस के लिए भी हमारा रहेगा, फिर मेंस में जो चीज़ें छूटी रहेंगी, जो को टॉपिक उस पर पकड़ बनानी पड़ेगी चीज़ें, यह करने से अभी प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया है। इसके लिए प्रीवियस ईयर उठा लीजिए पहले और देख लीजिए किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले उस पर फोकस करिए, उस चैप्टर को क्लियर कीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्लियर की तो कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी इससे। फिर जो जो चैप्टर्स बचे हुए हैं मेंस के लिए उसमें टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, जो चैप्टर बचा हुआ है उस पर फोकस करके निकाल लीजिए, हो जाएगा। ओके चलिए, स्ट्रेटजी की हमने बात कर ली। अभी मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने एयरफोर्स एग्जाम आपने क्रैक किया, उसको आपने स्किप कर दिया, आपने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद सीजीएल 19 आपने क्रैक किया, उसको भी आपने स्किप कर दिया, सीजीएल 20 भी आपका क्रैक हो गया, आपने डीबी स्किप कर दिया, और अभी सीजीएल 19 से भी अभी अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो आगे क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो आप? देखिए अभी तो एक्सटेंशन लगाया हूँ मैं, थोड़ा यूपीएससी का ट्राई कर रहा हूँ, सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जा चुकी, टाइम है मेरे पास, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिस वहाँ सर्विस में भी कर सकता हूँ, नहीं तो 2020 भी सोच रहा हूँ, सॉरी 2022 भी सोच रहा हूँ एक बार दे के ट्राई कर लूँ, कोई और डिपार्टमेंट मिल जाए मिनिस्ट्री वगैरह की ठीक ठाक, इस वजह से। और फिलहाल तैयारी मेरी यूपीएससी की चल रही है अभी। तो आप लोग देख सकते हो कि एक छात्र जिसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं रही, उसके सपने किस तरीके से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पहले एयरफोर्स और नेवी तक आते हैं, उसको क्रैक कर लिया, उसके बाद उन्होंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया, सीजीएल क्रैक किया, इंस्पेक्टर बन गए 2019 में, उसको भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, और 2020 भी उनका क्रैक हो गया, अभी सपने हैं आईएएस और आईपीएस बनने के। तो देखिए किस तरीके से, ऐसा नहीं होता है कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी नहीं हुई है, आप अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में नहीं गए हो तो आप बड़े सपने नहीं दे सकते। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, अब से एक भैया बैठे हैं हमारे सामने। चलिए, तो अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए फाइनल और लास्ट मैसेज आपके क्या होंगे? उससे पहले मैं आपके जब आप इंस्पेक्टर बने उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। एक क्वेश्चन पूछने में काफ़ी मज़ा मुझे आता है, जब कोई अपने जर्नी में अपने लाइफ में सफल होता है, आप इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट पर आ पाए, तो जब आपका रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आप इंस्पेक्टर बन गए, उसके बाद फैमिली के और रिश्तेदारों के किस तरीके के रिएक्शन थे, और किस तरीके का अभी आपको किस तरीके से लोग रेस्पेक्ट देते हैं? जैसा कि एस्पिरेंट जो लाइफ होती है उस टाइम तो लोग नहीं इतना रेस्पेक्ट और पूछते हैं, अभी किस तरीके से लाइफ आपकी चेंज हो गई? देखिए लाइफ तो रिज़ल्ट आने के उसी रात चेंज हो जाता है, और सेकंड तो देखिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, माँ बाप अगर आपके लिए अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे करके साल, चूंकि हमारी ये जैसे 20-22 साल हो गई है, 23 साल हो गई है, तो माँ बाप ना अपना 20-22-23 साल 25 साल आपके पीछे खर्च किए हैं, तो वो मेहनत उनका नरगल नहीं जाना चाहिए। अगर आप उनके उस मेहनत को देखते हुए मेहनत करेंगे तो आपको सफलता पहला नंबर जल्दी मिलेगा, जो कि आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो चीज़ अपने क्यों का होना बहुत ज़रूरी, अगर क्यों आपके पास स्ट्रांग है तो आपका रिज़ल्ट जल्दी होगा। माँ बाप को पता चलता है तो उनकी फीलिंग बयां करना वो किसी बस की, किसी लड़के की बस की बात नहीं है वो बयां करना, क्योंकि वो सुख वो अलग ही होता है, सुख का आंसू जब निकलता है तो फीलिंग अलग हो जाती है, ये है। और बाकी परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी एक रात में बदल जाती है, देखने का नज़रिया बदल जाता है लोगों का, ये सारी चीज़ें हैं। जो नए एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके फाइनल मैसेज या फिर कोई सजेशन हो किस तरीके से रहेंगे? देखिए कोई भी एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनता है, जैसे यूरी एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनता है, आपको एक 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 दिन मेहनत करके एक कड़ी बनेगी, लेकिन वो मेहनत जो है ना कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। आज कर लिए हम मेहनत 8 घंटा 10 घंटा, कल 2 घंटा किए, परसों फिर 8 घंटा 10 घंटा कर लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नहीं किए, तो 8-10 घंटे की ज़रूरत नहीं, आप 4 ही घंटा कीजिए, 6 ही घंटा कीजिए, लेकिन रेगुलर बेस पर करिए, उसको कंटिन्यू बना के करना पड़ेगा। आप कंटिन्यूअस तैयारी कीजिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पुटअप कर रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर लाइए, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए किस किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको निकालिए, फिर उस सेक्टर को उस चैप्टर को तैयार कीजिए, उस चैप्टर को तैयार करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट तो अल्टरनेट डेज पे दीजिए, प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि स्वयं का आकलन करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
आपका कंपटीशन आपके पार्टनर से या किसी भी एस्पिरेंट से नहीं है। अगर आपका कंपटीशन है तो मॉक टेस्ट से कंपटीशन है। मॉक टेस्ट में अपने आप को निखारिए। देखो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मेरा पार्टनर से इतना नंबर कम है, आप जो बगल पड़ रहा है, जो मेरे फ्रेंड से उतने कम ज़्यादा आ रहा है, उससे मैटर नहीं करता। आप अपने मॉक टेस्ट पर रियलाइज करिए, मॉक टेस्ट में मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि क्या पढ़ रहा है कोई उससे आपको मतलब नहीं रहा। अगर मॉक टेस्ट में अच्छा आ रहा है तो आप जाके बाहर अच्छा करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाके आप अच्छा, ये करना पड़ेगा आपको। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों जिस तरीके से अभिषेक भाई ने अपनी जर्नी को आपके साथ साझा किया, शेयर किया और अपनी स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ बताया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए, आप भी एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा। जिस तरीके से अभिषेक भाई आज इंस्पेक्टर बने हैं, आप भी एक ना एक दिन जरूर बनेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।